ये जनाब रोल्स रॉयस में बैठकर जाते हैं अपनी दुकान। काम बाल काटना। बेंगलुरु में रहने वाले रमेश बाबू एक ऐसे बाल काटने वाले हैं जो 3 करोड़ की रोल्स रॉयस कार में बैठकर अपने सैलून तक आते हैं। वे देश के अरबपतियों में से एक हैं। खास बात यह है कि उनके सैलून में बाल काटने के नॉर्मल चार्जेस ही लगते हैं। पिछले महीने एरो इंडिया में आए जर्मन डेलीगेट्स ने एक शाही नई मर्सिडीज में बैक एस 600 को किराए पर लिया था। इस कार की कीमत 3.2 करोड़ है और यह भारत में उपलब्ध नहीं है। इस कार को कुछ समय पहले जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस कार का मालिक कोई उद्योगपति नहीं बल्कि एक नए है जो 75 रुपए में लोगों के बाल काटते हैं। इस कार के अलावा रमेश बाबू के पास एक रोल्स रॉयस, 11 मर्सिडीज, 3 ऑडी और 2 जगुआर कारें हैं। वह इन कारों को किराए पर भी देते हैं। रमेश टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक भी हैं, लेकिन इतनी महंगी कारों के मालिक होने के बावजूद भी वह अपना पेशेवर काम नहीं भूले हैं और रोजाना अपने सैलून में 5 घंटे काम करते हैं। विजय माल्या के पास भी मेबैक कार है, लेकिन वह सुनहरे रंग की है। हालांकि उनके लंदन जाने के बाद यह कार शहर में कभी नहीं दिखाई दी है। बेंगलोर मिरर की खबर से बात करते हुए रमेश ने कहा, भगवान मेरे साथ है और मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। मेरा सपना था कि मैं दुनिया की लग्जरी कार का मालिक बनूं। मैं नहीं चाहता कि मैं भूल जाऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरी माँ ने मेरे पिता की मौत के बाद बेहद गरीबी में पाला है, इसलिए मैं अभी भी अपने सैलून पर कार्य करता हूँ। उनकी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है जिसमे उनके ख्वाब तो पूरा हुए हैं, साथ ही वो अरबपति भी बन गए। रमेश बाबू की जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दरअसल रमेश जब 7 साल के थे तो 1979 में उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनका सैलून ही परिवार की आय का मुख्य जरिया था। सैलून पर काम करने के दौरान उनको खुद की कार रखने का ख्वाब जागती आँखों से देखना शुरू कर दिया और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने रुपए जुटाने शुरू कर दिए। SSLC पूरा करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से नाई बन गए। किस्मत ने तब पलटी मारी जब उन्होंने 1994 में मारुति ओमनी वैन खरीदी और यहीं से उनकी कारों का शौक हावी हो गया। फिलहाल रमेश के पास 150 लग्जरी कारें हैं जिन्हें वह किराए पर देते हैं। 2011 में वह तब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी थी। आखिरकार एक वक्त ऐसा आ गया कि उनके पास इतने रुपए हो गए कि इसके बाद उन्होंने मारुति ओमनी खरीदी और उसको किराए पर देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उनके पास 200 कारें हो गईं, जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियां शामिल हैं। रमेश का कार को किराए पर देना का सबसे कम दाम 1,000 रुपये प्रतिदिन है और 50,000 सबसे ज्यादा है। एक सफल बिजनेसमैन होने के बावजूद रमेश को आज भी अपने बाल काटने के काम से बेहद लगाव है। अपनी 3 करोड़ की कार पर बैठकर लोगों के बाल काटने अपने सैलून पर जाते हैं। उनके ग्राहकों में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं।